हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। सेज समूह की ओर से विजयादशमी के अगले दिन से हम एक क्रम लेके चल रहे हैं, एक विचार चिंतन का सत्र लेके चल रहे हैं, श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और आज का विषय है क्रोध। देखिए, क्रोध का सीधा सा मतलब है, जब आप क्रोध करते हैं यानी दूसरों की गलती पर खुद को सजा देना क्रोध है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो मुझसे कहते हैं, पंडित जी हमें कोई ऐब नहीं है। सच नहीं है, न शराब पीते हैं, न तंबाकू खाते हैं, न गाली बकते हैं, न कुसंग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं बस एक ही गड़बड़ है, गुस्सा बहुत आता है। आजकल तो नाक पे रखा है लोगों के। अच्छा, बड़ों को आए सो आए, आजकल तो घर घर में बच्चे भी बड़े गुस्से लोग हैं। पता नहीं क्या भगवान कहीं वो फरमाई रख के भूल गया है जिसमें बिल्कुल शांत लोग पैदा, जो आता है वो गर्म ही गर्म आ रहा है, इतना गुस्सा छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक को। क्रोध करना ठीक नहीं है। तो चलो यहीं से बातचीत शुरू करें, क्रोध के कॉन्सेप्ट को समझे, थ्योरी को। आप लाख कसम खाएं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन जब आता है तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि आप जान ही नहीं पाते कि इलाज किसका करना है। तो हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, ऋषि मुनि कहा करते थे कि क्रोध के मूल में अहंकार होता है। इस पंक्ति को फिर दोहरा रहा हूं, क्रोध के मूल में अहंकार। हम क्या करते हैं, क्रोध पे ऊपर ऊपर काम करते हैं और उसका मूल, उसका जो बेस है जहां से उसकी फीडिंग हो रही है, वो है अहंकार, आपका ईगो। आप जितने अहंकारी होंगे आप उतने क्रोधी होंगे। अच्छा, हर क्रोधी एक बहुत बढ़िया बात बोलता है, वो कहता है वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कोई गलती करता है ये तब मुझे आ जाता है। ये सब खूंटियां हैं। आप दूसरे को दोषी बना के, स्थितियों को दोषी बना के अपने क्रोध की एडवोकेसी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपके मूल, आपका अहंकार अंगड़ाई लेता है और आपको क्रोध आता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रोध ना आए ऐसी भी गलती ना करें, कई जगह क्रोध लाना पड़ेगा। क्रोध बीमारी, दुर्गुण कब है, जब क्रोध आपका मालिक बन जाता है। क्रोध आपका नौकर होना चाहिए। आपके पास कोई सहायक होता है, कोई आपके नीचे काम करने वाला हो, चपरासी हो और कोई, आप घंटी बजाए वो आता है काम करके चला जाए, आप बोलते जाओ चला जाएगा। क्रोध को ऐसा करिए, मैंने बुलाया और मैंने भेज दिया, लेकिन अभी उल्टा, अभी वो आता भी मर्जी से और जाता भी मर्जी से, बस ये बीमारी है, क्रोध न करें। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, और अभी हम सारे उदाहरण रावण और श्री राम जी के आसपास के इसलिए ले रहे हैं, अभी अभी हमने विजयादशमी में इस द्रोण के पुलिंदे को समाप्त किया है और रावण मर गया है। इस पे ध्यान देना, आप रावण कभी नहीं मरा, रूप रावण को श्री राम ने मारा, पर अरूप रावण आज भी जिंदा है और हमारे भीतर है। वो जो युद्ध राम रावण का हुआ वो तो बाहर हुआ था और हम सब ने सुना और देखा, लेकिन एक युद्ध आपके भीतर सदगुणों और दुर्गुणों का चल रहा है। जब आपके दुर्गुण हावी तो समझ लो रावण हावी। रावण बहुत योग्य था लेकिन बहुत क्रोधी था। कभी सुंदरकांड पढ़ना, अशोक वाटिका में सीता भी तलवार निकाल ली तो उसकी पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, एक निरी स्त्री पे तलवार, इतनी गुस्सा। अब बताओ आप, एक विश्व विजेता जिसने सारी दुनिया जीती हो, एक औरत पे, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शनरी था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता। सामने हनुमान जी खड़े, याद है ना आपको, रामदूत बन के गए थे, सीता जी को संदेश दिया, अशोक वाटिका उजाड़ी, और जब उनको पकड़ के रावण के दरबार में लाया गया तो रावण ने उनको देखा, थोड़ी बातचीत हुई, आगे करेंगे, लेकिन उसी समय रावण को ध्यान आया कि इसने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा है अशोक वाटिका में, तो एकदम क्रोध आया और क्रोध क्रोध में उसने निर्णय ले दिया इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। देखो आप गुस्से में कितनी बड़ी गलती करी। अगर उसने बंदर की पूंछ में आग न लगाई होती तो उसकी लंका जली न होती, आधी लड़ाई हार चुका था वो। सीखो आप उससे, ऐसी बेवकूफियां मत करिए आप।
आपके पास बड़े अधिकार हो, आपके पास बड़ा काम हो। मैं तो कहता हूं बड़ा हो कि छोटा हो, गलत समय पे गुस्सा कभी मत करना, नुकसान आपका हो जाएगा। और अगर गुस्सा करने की आदत पड़ गई तो आसपास वाले लाख समझाएं, आप नहीं सुधरोगे। रावण की पत्नी मंदोदरी कहती मत गुस्सा करिए, मत गुस्सा कर, करता ही रहता था। और तो और सबसे बड़ा नुकसान देखो क्रोध में। आपको आपको मैं ये सीन इसलिए बता रहा हूं कि आदमी दृष्टांत सुने तो सिद्धांत आसानी से समझ में आता है। विभीषण ने हनुमान जी के जाने के बाद भरी सभा में रावण से कहा, भैया मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, और निवेदन यह है कि सीता जी को आप लौटा दीजिए। इतना ही तो कहा था, गलत क्या था। लेकिन क्रोधी आदमी दूसरे की एडवाइस सुनना ही नहीं चाहता और अपने भाई को लात मार दी। ये तो हाइट है बेवकूफी की। आप गुस्से में मूर्खता भी करने लगते हैं। गुस्सा और मूर्खता दाएं बाएं चलता है। गुस्से में आदमी पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। जैसे पागल को कुछ समझ नहीं आता। क्रोध अस्थाई पागलपन है। आप किसी पागल को देखना, वो स्थाई पागल है। वॉच करना उसकी बॉडी लैंग्वेज। और जब आप गुस्से में तो आप भी यही करने लगते हैं। कुछ लोग गुस्से में अपने ही सिर फोड़ते हैं, कुछ अपने ही बाल नोचते हैं, कुछ लोग अपने को मारते हैं दूसरे को छोड़ के। बताइए आप, आपने ऐसे गुस्से देखे हैं कभी? भगवान न करे आपके साथ घटा हो, पर हर आदमी गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर लेता है। फिर तो आप खत्म हो जाएंगे एक दिन रावण की तरह। सावधान रहिए, गुस्सा कभी ना करिए। ये जो सेज ग्रुप ने ये जो श्रृंखला विचार श्रृंखला आयोजित की है, इसके पीछे आधार ये है। अब मैं आपको बताऊं, आपका अगला प्रश्न मनी मन मुझसे होगा कि आखिर को खत्म कैसे करें। तो हमारे शरीर में एक चक्र है, दोनों आईब्रोज के बीच में चक्र है, उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। और मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ। हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। इसलिए मैं हनुमान चालीसा की बात करूंगा, और किसी धर्म से जोड़ के मत चलना। हनुमान चालीसा का मंत्र है। तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, नवी चौपाई है। सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जो लोग अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो, वो इस चौपाई को मनी मन सांस लेते हुए जपें, और दोनों बहों के बीच में आज्ञा चक्र में भीतर से देखें और इस चौपाई को यहां रख दें। आपका ये चक्र जागृत होगा, और ये चक्र अक्रोध का चक्र है। अगर आपने इस पे काम किया, जब भी आपको क्रोध आए, कमर सीधी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, आंखें बंद, भीतर से दोनों आईब्रोज पे देखना, बीच में आज्ञा चक्र पे, कोई मंत्र हो नहीं तो हनुमान चालीसा को जपें, जो मैंने चौपाई बोली आपको, आप पाएंगे धीरे धीरे। रोज अभ्यास करिए, ये यही यही है उसका कंट्रोल, और आप शांत होने लग जाएंगे। उर्दू में एक शब्द है मंजर। मंजर का मतलब होता है दृश्य। अब जरा बात सुनिए, क्रोध में क्या होता है। मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, वो आंख से जल गया जो नदी के करीब था। क्रोध आपको झुलसा देगा, बचिएगा इससे। रावण जैसा गलती कर गया। इस विजयादशमी की जो विचार श्रृंखला है, आपको चेतावनी दे रहे हैं, क्रोध आपका गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। तो उसकी एनर्जी आपको काम आ जाएगी। सेज ग्रुप आपसे उम्मीद कर रहा है क्रोध पे नियंत्रण करना, और खूब आगे बढ़िए। तो प्रतिदिन थोड़ा सा समय, कमर सीधी, दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ आज्ञा चक्र है, इसको देखना, कोई मंत्र, कोई सूत्र, कोई परमात्मा की छवि इस पे देखना। थोड़ा सा यहाँ वाइब्रेशन हुआ और क्रोध कंट्रोल में हुआ। कल एक नए विचार के साथ फिर मिलेंगे। गुस्से पे काबू करिए, जरा मुस्कुराइए। हम मनुष्य हैं, और भक्त को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।